अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शॉर्ट एंड के एक और लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम मज़ीद कुछ कंसोनेंट्स डिस्कस करेंगे। जो कंसोनेंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे उसके अलावा और भी कंसोनेंट्स हैं, और उनके बारे में आइडिया लेंगे कि वो कैसे लिखे जाते हैं और उनके स्ट्रोक्स कैसे लिखते हैं। ये पहले तो आइडिया होना चाहिए, ये जितने भी कंसोनेंट्स हैं ये फॉरवर्ड लिखे जाते हैं। फॉरवर्ड मतलब सीधे लिखे जाते हैं। तो इनको लिखना कैसे है, सबसे पहले हम के और जी की बात करते हैं। के को के बोलेंगे, जी को गे बोलेंगे। तो के कैसे लिखेंगे, ऐसे हल्का लिखेंगे इसको। इसमें वर्ड्स क्या साउंड्स दे रहे हैं, कम कैन। और जब हम गे की बात करेंगे तो गे को मोटा लिखेंगे, ऐसे फॉरवर्ड ही लिखेंगे लेकिन मोटा लिखेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है, हल्का गहरा। इन दोनों में जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है वो हल्के और गहरे का। और दोनों फॉरवर्ड स्ट्रोक हैं और दोनों सेम तरह से लिखे जाएंगे। और उसके बाद जैसे गे गेन है, गिव है, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अब बात करते हैं एन और एम की। एम जो एम है वो इस तरह हल्का लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे। और जो एन है वो इस तरह लिखेंगे, जैसे ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे। मतलब ये सारे स्ट्रोक फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड मतलब सीधे लिखे जाएंगे। सबका जो एरो है वो सीधा है, जैसे ये है इसका एरो ऐसे है, इसका भी ऐसे है, और ये इस तरह लिखे जाएंगे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये ऐसे लिखा जाता है और ये ऐसे लिखा जाता है। एम को जैसे मे सीम, इसकी एग्जांपल्स हैं। और एन है ने सीन, एन की आवाज़ दे रही। हमने आवाज़ों को पे फोकस करना है, ये इसके साउंड्स हैं के गे एम एन। ठीक है, उसके बाद जो मज़ीद चार रह गए उसको डिस्कस कर लेते हैं। एन जी, एन जी मतलब आई एन जी को शो करता है, लॉन्ग और सिंग। इसको कैसे लिखेंगे, इसको गहरा कर देंगे, ऐसे गहरा लिख देंगे। इस एन और एन जी में फ़र्क क्या है, इसको हल्का लिखा है और इसको गहरा लिखा है। इन दोनों में ये फ़र्क है। जैसे लॉन्ग है, सिंग है, इसमें आई एन जी की आवाज़ आ रही है, लॉन्ग सिंग आई एन जी की आवाज़ आ रही है। उसके बाद एल, एल को कैसे लिखेंगे, एल को ऐसे लिखेंगे, ये है एल। और ये एरो क्या शो कर रहा है, ये भी फॉरवर्ड है सीधे की तरफ से। और इसमें वर्ड्स क्या आते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, कूल और वेल। ठीक है, उसके बाद हम डब्ल्यू की बात करेंगे। डब्ल्यू साउंड जिसको वे कहते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ये W है, ऐसे लिखेंगे। इसका भी ऐसे है, मतलब ये भी फॉरवर्ड है, स्टेट्स। उसके बाद Y है, इसको Y बोलते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जिससे यूथ है, यस है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना। इस तरह हमारे कंसोनेंट्स अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गए। और जैसे हमने आज पढ़ा के और गे, एम और एन, एन जी एल डब्ल्यू और वाई, और इनके साउंड्स ये हैं। साउंड्स को मद्देनज़र रखना है। शॉर्ट एंड में क्या चीज़ जहन में रखनी है, शॉर्ट एंड जो साउंड्स हैं ना उनको मद्देनज़र रखना है, वर्ड्स को मद्देनज़र नहीं रखना। वर्ड्स माइंड में आएंगे आपके, लेकिन आपको वर्ड्स में जो साउंड्स सुनाई देंगी ना वो आपने लिखने हैं और उन्हीं को याद करना है। तो इस तरह हमारे कॉन्सोनेंट्स तकरीबन मुकम्मल हो गए। और इसके बाद हम वॉवल्स करेंगे, फिर डिप्थोंग्स करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि वर्ड्स को जोड़ना कैसे है, वॉवल्स कैसे लगाने हैं, और वॉवल्स की प्लेस कैसे सेट करनी है, बिफोर वॉवल्स कैसे लगाने हैं, आफ्टर वॉवल्स प्लेस कैसे लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने तीन लेक्चर्स में इसके कंसोनेंट्स को मुकम्मल किया।
पहले सिक्स को डिस्कस किया, फिर एट को डिस्कस किया, फिर एट को डिस्कस किया, तो इस तरह इसके 24 कंसोनेंट्स हैं। एक और एक या दो और मज़ीद रह गए हैं जो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और जहन में रखना है के है हल्का फॉरवर्ड है, गे है गहरा है, फॉरवर्ड लिखना है, एम ऐसे लिखना है, एन ऐसे लिखना है, एन और एन जी में फ़र्क क्या है, वो गहरा है ये हल्का है, और एल ऊपर की तरफ है, डब्ल्यू ऐसे लिखना है और वाई ऐसे लिखना है।